स्कोडा के अंदर भी अलग अलग तरह के कॉन्ट्रैक्टर के लोग आते हैं, देख रहे हो, स्कोडा के मतलब लड़के नहीं हैं जो कि कंपनी थ्रू जॉब करते हैं लेकिन कॉन्ट्रैक्ट थ्रू हैं। अलग अलग तरह के वैकेंसी भी यहाँ पे निकलती है, जब भी कभी निकलती है तो। हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग दोस्तों, मैं भी जा रहा हूँ चाकल, लेकिन किस कंपनी के गेट पे जा रहा हूँ ये हमें भी पता नहीं है, तो वहाँ जाने के बाद पता चलेगा कि मतलब मैं किस कंपनी में जा रहा हूँ और कहाँ कहाँ वैकेंसी चल रहा है, सारा चीज़ आप लोगों को इन्फॉर्मेशन दूंगा। तो वीडियो को कब भी देख रहा है, चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। चलिए, ये वीडियो एक ब्लॉग की तरह होने वाला है। तो अभी आई है बस और हम लोग चलेंगे बस पे। भीड़ देखिए चाकन जाने के लिए। तो फाइनली मैं अभी सिग्मा चौक उतरा हूँ, सिग्मा कंपनी इस गली में है और आगे मालूंगे फाटा जाता है, मालूंगे गांव जाता है, आगे ही बहुत सारे कंपनियां हैं। तो अभी मैं इस गली में ही बहुत सारे कंपनियां हैं, मैं इस गली के कुछ कंपनी में जाता हूँ और देखता हूँ कि किन किन कंपनी में वैकेंसी चल रही है। जो भी इन्फॉर्मेशन होगा दोस्तों वीडियो में बताऊँगा, वीडियो में बने रहिएगा। और MIDC में ऐसे ही लोग घूमते हैं रिज्यूम वगैरह लेके। और यहाँ पे एक कंपनी है सुपरजीत, देख रहे हो, यहाँ पे सारे लोग ज्वाइनिंग के लिए आए हैं, गर्ल्स वगैरह सब लोग हैं। आपका भी हो जाएगा, सुबह 8 बजे तक आ जाओगे तो। और इस गली में आगे और भी कंपनी है, सुपरजीत था, उसके बाद जो अभी आपको मैंने दिखाया, उसके बाद है भैरोक, उसके बाद है सिग्मा। मैं अभी जाता हूँ उसके और भी आगे जाऊँगा, देखता हूँ। और यहाँ भैरोक पे भी कुछ गर्ल्स वगैरह खड़े हैं, आप देख सकते हैं वहाँ पे। लेकिन भैरोक में अभी भर्ती चल नहीं रही थी, मैंने अभी गया, कुछ लड़के वगैरह खड़े थे, बोला अभी नहीं बोल रहा है। और ये आपका बात करते करते मैं यहाँ पे आ गया, ये कंपनी है आपका TPM करके है, ये सिग्मा कंपनी ही अपना। बहुत सारे गर्ल्स लोग को लगता होगा अकेले कैसे घूमें, तो देख रहे हो कैसे लोग घूमते हैं, घूमना पड़ता है अकेले भी, धूप में हो चाहे कुछ भी हो, जॉब के लिए। ये लोग MIDC के अंदर खड़े हैं, देख रहे हो कैसे लोग जॉब सर्च करने के लिए आते हैं। तो ये स्कोडा वोल्क्सवैगन कंपनी है, मैं अभी जाता हूँ सिक्योरिटी गार्ड केबिन में और पूछता हूँ वैकेंसी के बारे में, कोई ना कोई इन्फॉर्मेशन तो देंगे ही शायद। सारे लोग कॉन्ट्रैक्ट के ही, अलग अलग कॉन्ट्रैक्ट के लोग हैं, सबको देता है, मतलब क्या बोलते हैं, कॉन्ट्रैक्टर लोग बस प्रोवाइड कराते हैं और कैंटीन वगैरह सब रहता है। स्कोडा के अंदर भी अलग अलग तरह के कॉन्ट्रैक्टर के लोग आते हैं, देख रहे हो, स्कोडा के मतलब लड़के नहीं हैं जो कि कंपनी थ्रू जॉब करते हैं लेकिन कॉन्ट्रैक्ट थ्रू हैं। अलग अलग तरह के वैकेंसी भी यहाँ पे निकलती है, जब भी कभी निकलती है तो। तो दोस्तों अभी आपने देखा कि मैं स्कोडा के गेट पर खड़ा था और मैं सिक्योरिटी गार्ड से पूछने भी गया था जॉब वैकेंसी के बारे में। तो एक्चुअली दोस्तों मैं जब अभी चाकन आया था तो आने से पहले हमें पता भी नहीं था कि मैं किन किन कंपनियों के गेट पे जाऊंगा। तो अभी मैंने शुरू से लेकर आया तो 2-3 कंपनी गेट पे गया था, सुपरजीत हो गया जो कि ऑटोमोबाइल पार्ट बनाती है, जैसे कि 2-व्हीलर का भी पार्ट बनाती है, उसके अलावा भैरव कंपनी गेट पे भी मैं गया था, उसके अलावा सिग्मा कंपनी के गेट पे गया था, उसके बाद लास्ट टाइम मैं यहाँ पे आया था ये स्कोडा कंपनी गेट पे, जहाँ पे दोस्तों उस साल कंपनी वैकेंसी नहीं चल रहा था, जैसे कि आपका सिग्मा हो गया या फिर भैरव कंपनी हो गया, लोग वहाँ से लौट जा रहे थे। तो वैसे जब भैरव पे वैकेंसी चल रहा था तो आज से 2 दिन पहले तो मैं वीडियो बनाया था, आप लोग वो देख सकते हो, जब वैकेंसी चल रहा था। तो लेकिन अभी यहाँ पे और सब कंपनी में वैकेंसी नहीं चल रहा है, सिर्फ सिग्मा में वैकेंसी, सॉरी स्कोडा में अभी वैकेंसी चल रही है। मैंने अभी सिक्योरिटी गार्ड से पूछा तो उसने बताया कि क्या क्वालिफिकेशन है, मैंने बोला ITI फीटर से, तो बोला है ना वैकेंसी, और वहाँ पर अभी कॉन्ट्रैक्टर आए हैं उनसे मिलो। मैंने उनसे पूछा सैलरी क्या है, तो उसने बोला 14,000 सैलरी है, बस कैंटीन आपको यहाँ पे सब कुछ देखने को मिलेगा। और दोस्तों मैंने उनसे ये भी पूछा सिर्फ ITI फिटर वालों को लेते हैं क्या, बोला नहीं नहीं ऑल ट्रेड लेते हैं, हम बोले फिर फ्रेशर को लेते हैं क्या,
बोले फ्रेशर हो क्या? थोड़ा सा धिकचिका गया, मतलब थोड़ा सा डाउट हुआ, तो बोला हम बोले कि नहीं हम अभी फ्रेशर हैं। एक्चुअली दोस्तों क्या होता है, जब भी यहाँ पर आप आओ ना तो उसको बोलो कि कहीं ना कहीं हम काम कर चुके हैं। चाहे कोई भी आप एग्जांपल दे सकते हो कि मैं पहले छोटे मोटे जगह पे काम किया हूँ, आईटीआई फीटर लाइन में फीटर पहले से मैं काम किया, कुछ ना कुछ उनको बताना होता है। या फिर बता सकते हो कि आप एक दो महीने में मशीन ऑपरेट किया हूँ, तो उनको लगेगा कि पहले ना कहीं कहीं ये काम कर चुका है, तो पहले वो थोड़ा सा एक्सपीरियंस वाले को ज़्यादा प्रीफर करते हैं। तो ये बहुत ही अच्छी कंपनी है दोस्तों, अभी इसको टाइम भर्ती चल रही है, अभी फ़िलहाल चल रही है, आप एक दो दिन बाद आओगे तो इसका कोई पता नहीं दोस्तों। तो ये कंपनी दोस्तों महालुंगे MIDC के अंदर आता है। आप सिग्मा चौक से उतरने के बाद किसी से पूछोगे तो, या फिर मैप द्वारा भी आप डायरेक्ट कंपनी के गेट पे जा सकते हो और सिक्योरिटी गार्ड से पूछ सकते हो, वो बहुत सारा आपको इन्फॉर्मेशन दे देगा। और IT वालों के लिए डिप्लोमा वाले की भर्ती चलती है, जैसे कि आपका डिप्लोमा मैकेनिकल हो गया, ऑटोमोबाइल हो गया, इन लोगों के लिए तो वैकेंसी चल रही थी, और ITI का सारा ट्रेड यहाँ पे चलता है। तो आप सुबह 8 बजे तक आ जाओ, 8 से 10 के बीच आपका ज्वाइनिंग वगैरह हो जाएगा, अगर यहाँ पे आपको कॉन्ट्रैक्टर मिल जाता है तो। और यहाँ पे कॉन्ट्रैक्टर बेस पे ही वैकेंसी निकलती है ITI डिप्लोमा वालों के लिए, और 12वीं वालों के लिए भी निकलती है, सिर्फ ये नहीं कि ITI वालों के लिए, ऐसा नहीं है, 12वीं वालों के लिए भी निकलती है। सैलरी 12,000 तक देखने को मिलता है, लेकिन ITI डिप्लोमा वालों को 14,000 तक देखने को मिलता है। और बहुत सारे लोग लोकेशन या एड्रेस पूछते रहते हैं, गूगल जिंदाबाद है दोस्तों, आप वहाँ पे सर्च करो, आपको डायरेक्ट आपको मैप के थ्रू यहाँ पे लेके आएगा कंपनी के गेट पे डायरेक्ट। मैं भूल जाता हूँ लेकिन मैक्सिमम वीडियो में डाल दिया करता हूँ लोकेशन या एड्रेस भी। तो कहीं ना कहीं दोस्तों वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही इन्फॉर्मेटिव रहेगा, कोई भी प्रॉब्लम आता है, कोई भी सवाल है तो कमेंट में कीजिए, और नहीं तो इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया हूँ, लेकिन उसके लिए वेट करना पड़ेगा इंस्टाग्राम पे रिप्लाई लेने के लिए। तो बाय दोस्तों, फिर मिलते हैं किसी और इन्फॉर्मेटिव वीडियो में, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक।